मिसेस भाटिया ब्लॉग्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और डिनर बनाने में लग गई हूँ। जैसा कि आपको पता है, मेरा 8:30-9 बजे तक डिनर बन जाता है। और बाल की हालत देखो कैसी है। सुबह मैंने शैम्पू किया था और कंघी वगैरह उतने अच्छे से की नहीं, बस क्लचर लगा लिया। तो बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पर गोभी को काट कर धो लिया है, यहाँ पर कढ़ाई अभी चढ़ा दी, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने। तो बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी और सिंपली रोटियां। और चलो देख लेते हैं इसकी रेसिपी और बने रहो आप मेरे व्लॉग में। यहाँ पे मैंने प्याज को हींग जीरे से तड़का दे दिया था, कसूरी मेथी डालकर, उसके बाद आलू डाल दिया था थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने के बाद। साथ ही साथ मैंने गोभी भी डाल दिया था ताकि आलू और गोभी एक साथ फ्राई हो जाएं। और इसे अब हम लोग थोड़ा सा ढक ढक कर पकाएं, क्योंकि आज मैंने गोभी को बॉयल नहीं किया था, क्योंकि थोड़े से ही थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से धो लेते हैं और फ्राई करते हुए ये बन जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना कर रख लिया था। तो नहीं, आज मेरी अदरक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सिर्फ लहसुन, मिर्च और ज़ीरा वगैरह डालकर उसका एक पेस्ट बना लिया था और उसी में टमाटर को काट के ऐड कर दिया था। और इसे हम लोग अच्छे से पकाएंगे जब तक मसाला भुन जाएगा। उसके बाद जो सूखे सूखे मसाले हैं, यहाँ पर डाला लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसलिए आपको दो बार लाल कलर की पाउडर दिखी होगी। तो बस इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे, बस इसे थोड़ा सा ढक ढक कर पकाएंगे ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन गई है, मतलब मसाला पूरे अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में पालक को चॉप करके रखा था, उसे अब मैं ऐड कर दूँगी। तो जैसे कि हम लोग आलू पालक बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप गोभी में भी डालकर बनाओगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, मैंने सोचा कि चलो आलू पालक तो बहुत बार बनाया है, गोभी के साथ मिक्स करके देखती कैसा बनता है। तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। और इसे थोड़ा देर चलाएँगे क्योंकि साग जो है वो भी पानी रिलीज़ करता है, उसे भी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पे अब जाके हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो गोभी वगैरह उतनी जो नहीं अंदर से पकी है वो भी पक जाए, मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और साग भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अब ढक ढक कर पकाएंगे। तो इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी मतलब पानी को सोख ना ले। तो यहाँ पे अब मैंने पूरी धीमी फ्लेम कर दिया है, बिल्कुल लो कर दिया है ताकि वो अच्छे से पक जाए। और साथ ही साथ मैंने आटा भी इतनी देर में गूंथ के रख लिया, इसे भी रेस्ट पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब बस जी, किचन भी साथों साथ देखो मेरा क्लीन है बिल्कुल भी, और यहाँ पे ब्लूटूथ लगा कर अपना गाना भी सुनती जा रही हूँ, आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, 8:10 हो रहे हैं और इतनी देर में मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। और ये हमारी गली जो 8 बजे तक इतनी सुनसान हो जाती है कि मतलब एक कुत्ते भी नहीं दिखेंगे आपको। तो बस मैं यहाँ पे लिपसिंक कर रही हूँ क्योंकि ब्लूटूथ में गाने बज रहे हैं और बालों को कुछ इस तरीके से उठाकर मैंने बांध लिया है और पूरा बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा सा छाया हुआ है। और हस्बैंड का वेट भी कर रही थी कि पता नहीं कब तक आएंगे, उन्होंने कहा था कि 8:30 तक आ जाऊँगा, लेकिन डेली 9 बजे जाते हैं। तो फिर फाइनली अब हम लोग आकर सब्ज़ी को चेक करेंगे। तो बिल्कुल बन के परफेक्ट तैयार थी। अब मैं मिल रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट डे आपसे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग होते साथ हमारा काम भी हो जाता है स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आके विंडो को ओपन करा, तो विंडो को ना मैंने वो थोड़ी सी छोटी सी रस्सी से लेकर बांध दिया है क्योंकि उसकी कुंडी ख़राब हो गई है। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लग गया था मेरा, तो उसके बाद आ गई हूँ बेड को ठीक करने के लिए। और ये वाली बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, तो आज बेडशीट चेंज नहीं करनी है। और ये वाली पतली सी ब्लैंकेट मैंने अब निकाल ली है क्योंकि अब ठंड ख़त्म ही हो गई है देखा जाए तो, लेकिन रात में पंखे की हवा में हल्की हल्की ठंड लगती है इसीलिए। और यहाँ पे अब उसी बेडशीट से अच्छे से झाड़ दूँगी पूरे मैट्रेस को। अब क्योंकि कल ही बिछाई है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ही बिछा लूँगी। और आज मुझे मशीन भी लगानी है, तो फटाफट से बेड के जो शेल्फ है उसे भी क्लीन कर लूँगी और साथ ही साथ बेडशीट को भी चारों तरफ से अच्छे तरीके से मतलब दबा दूँगी ताकि वो इधर उधर ना खिसके। और ये वाली बेडशीट भी मेरे हस्बैंड को उनकी कंपनी से मिली थी, तो स्लीप वेल कंपनी की बेडशीट है, बहुत ही अच्छी है। और इसका MRP 1799 का है, मतलब 1800 रुपये आप मान सकते हो। तो जी, अब गिफ्ट वाली है तो महंगी ही मिलती है, कंपनी से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है इनके कंपनी से गिफ्ट में, जिससे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। तो और काफ़ी अच्छे दिनों से चल भी रही है, अब इतनी अच्छी ब्रांड है तो फिर चल भी रही है अच्छी खासी, 2-2.5 साल हो गए हैं। अब यहाँ पर जब तक बेडशीट वगैरह ठीक करके आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, स्विच ऑन किया, पानी भर चुका था और यहाँ पर आप मशीन को घुमा दिया।
अब यहाँ पे कर दूँगी सर्फ को ऐड और बस मशीन भी अपना काम करती रहेगी, उधर मैं अपना काम करती रहूँगी। तो यही है, फटाफट से जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, मैं इसी दौरान काम करते हुए अब मशीन भी लगा देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा उसमें टाइम ना लगे। अब उधर जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक आ गई हूँ डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो कपड़े को गीला कर लिया है, रेलिंग को पोंछ देती हूँ क्योंकि डेली इसमें डस्ट बैठ जाता है। अभी कपड़ों को धोकर सुखाना भी है तो इसीलिए, फिर गंदी रेलिंग पे सुखाकर कोई फ़ायदा नहीं है धुले हुए कपड़े, तो इसीलिए रेलिंग डेली पोंछती हूँ। खैर जिस दिन कपड़े नहीं भी धुलते हैं उस दिन भी रेलिंग पोंछती हूँ, हर जगह पहले डस्टिंग कर लेती हूँ उसके बाद लास्ट में नीचे नीचे का पोछा लगाती हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हो विंडो को भी क्लीन कर लेती हूँ। अब विंडो जो ओपन करा था ना मैंने, वही वाला विंडो इस साइड से बालकनी साइड खुलता है वो, तो बस इसे भी अंदर बाहर दोनों साइड से पोंछ लूँगी। और अब आ गई हूँ अंदर की डस्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह को क्लीन कर ले रही हूँ। और ये मेरा डेली का काम हो जाता है, ऐसा एक दिन भी स्किप नहीं होता है, क्योंकि डार्क कलर के फर्नीचर हैं तो थोड़े भी डस्ट बैठते हैं ना तो वो दिख जाते हैं। और हल्का सा कपड़े को गीला करके अगर आप पोंछ दो तो एक ही वाइप में वो पूरे अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ गया ऊपर छज्जे के रैक तक मैं पोंछ देती हूँ, ये डेली का काम हो जाता है। उसके बाद अब जी अभी सिर्फ पोछा लगाना था, तो मैंने सोचा कि जब तक पोछा लगाऊंगी तब तक यहाँ पर फेस मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, उतने देर में ये ड्राई हो जाएगा। और वीक में एक बार तो कम से कम हमें फेस पैक और स्क्रबिंग वगैरह करनी चाहिए, तो इससे पहले मैंने अच्छे से फेस को वॉश कर लिया, स्क्रब कर लिया, उसके बाद मैं फेस मास्क को अप्लाई कर रही हूँ। ये एल्प्स गुडनेस का बीटरूट पाउडर है, इसमें रोज़ वाटर ऐड करके मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, उसे पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी और अपने काम में लग जाऊँगी जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई भी हो जाएगा। उसके बाद सीधे नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाऊँगी। तो ये मैंने लगा लिया है पूरे अच्छे तरीके से और ये सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है। तो यहाँ पर देखो मैंने पानी गर्म लगाया नहाने के लिए, और इधर मशीन भी अपना काम कर रही है, इधर मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो सुबह मेरा कुछ इसी तरीके से काम चलता रहता है। अब जा रही हूँ मॉप लेकर पोछा लगाने के लिए, तो उसके बाद जी बस सीधा नहा वहा कर हो जाऊँगी फ्री। तो अब देखो फेस मास्क मैंने लगा लिया है और मॉप लेकर आ गई हूँ बालकनी में। तो जहाँ जहाँ हाथ से पोछा लगाना होता है पहले लगा लेती हूँ। किचन में तो हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ क्योंकि सिलेंडर वगैरह के साइड में मॉप तो जाएंगे नहीं, हाथों से ही करना पड़ता है। इसीलिए बैक वाली बालकनी, किचन और बाहर का जो एंट्रेंस है वो सब जगह मैं हाथों से लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर ये बालकनी और बेडरूम वगैरह में हॉल में मॉप से लगाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा काम भी होता रहता है। और आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी इसीलिए आज इतना टाइम भी हो गया कि साथ ही साथ मेरी वीडियो भी बन गई और फेस वगैरह भी मेरा थोड़ा स्किन केयर भी हो गया सुबह के टाइम में। और इस तरीके से वीक में एक बार कम से कम आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ही चाहिए। सो फाइनली अब यहाँ पर आ गई हूँ नहा वहा कर और सीधे आ गई हूँ पूजा रूम में। तो पूजा रूम में अभी दियाबाती कर रही हूँ। इससे पहले कितने सारे काम हुए, पूजा के जितने बर्तन हुए वो धोया, दोनों रैक को पोछा, कान्हा जी को सुलाती हूँ रात में तो उठाया, फिर उनको नहलाया धुलाया, उनके कपड़े चेंज किए, श्रृंगार किया, उसके बाद जाके अभी आई हूँ यहाँ पे दियाबाती करने के लिए। अब भोग लगा दे रही हूँ उनको। तो भोग में आज फ्रूट्स और दूध का भोग तो खैर मैं डेली लगाती हूँ, तो आज केले थे और अंगूर भी थे साथ में, और दूध में दो तीन मिश्री के दाने भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ी सी मीठी मीठी लगे। और उसके बाद फिर मैं कपूर की आरती कर लूँगी, और कपूर की आरती मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। हमेशा हमें कपूर जलाना ही चाहिए, इससे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाते हैं और एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, और घर का वातावरण भी पूजा करने के दौरान बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आरती मैं इसी तरीके से पूरे घर में भी दिखा दूंगी। और जी हो गया मेरा आज का पूजा सम्पन्न जी, तो हो गया है पूजा पाठ डन। और इधर कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को अब एंड करती हूँ, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, और मुझे अभी जस्ट इस व्लॉग को एंड करके एडिट भी करना है तुरंत से। तो कपड़े धुल गए हैं, 5 राउंड लगाया है मैंने, जब तक नहाने से पहले ही मैं मशीन लगा के गई थी, तो उससे उतने देर में 5 राउंड लग गया। अब इसे सर्फ पानी से 5 बार तो धुल चुका है, बहुत धीरे धीरे घूमता है इसलिए मैं 4-5 राउंड लगा देती हूँ। और अब साफ़ पानी देखो डाल रही हूँ, साफ पानी से एक बार ये थोड़ा भर जाएगा फिर इसे बहा दूँगी, उसके बाद फिर एक बार और साफ़ पानी से धो के पूरा घर पानी पानी हो जाता है, एक बार और साफ़ पानी से धो के बस उसे ड्राई कर दूँगी। तो जा रही हूँ फटाफट से मैं शेक बना लेती हूँ। और आज मेरी पूजा पाठ बहुत जल्दी हो गई, अभी 10:30 ही बज रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है किसी किसी दिन जल्दी जल्दी कर लो। तो मैं सोचती हूँ कि डेली मेरा यही एक टाइम बेसिस रहे कि 10:30 तक एटलीस्ट, कभी कभी इतना हो जाता है ना कि क्या ही बोलूं। खैर डेली मेरा तो एक्स्ट्रा स्पेशली काम बढ़ता ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अंगूर है, केले हैं,
और जा रही हूँ फटाफट से शेक बनाती हूँ, और कान्हा जी को भी दूध, अंगूर, केले, इन सब का भोग लगाया है। तो सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगा है, उसके बाद तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की मेहनत अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और थोड़ा सा भी कैमरा ऐसे पकड़ती हूँ ना तो मेरा यहाँ शोल्डर पे पेन होने लग जाता है, पता नहीं क्यों यार, पता सोच रही हूँ ट्राइपॉड लूँगी, लेकिन वीडियो अब जब तक मेरा 1K नहीं होगा तब तक मैं ट्राइपॉड या रिंग लाइट कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ। अब वो होगा तो आपके सपोर्ट से ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, एक तो पैसों से भी इन्वेस्ट कर रही हूँ। मेरा जो व्लॉग रहता है वो कभी कभी 15-20 मिनट का हो जाता है, और मेरे फ़ोन में हमेशा 1.5 GB का ही रहता है, तो वो वीडियो कभी कभी 2 GB का हो जाता है डालने के लिए, और 1.5 GB कम हो जाता है मेरे लिए, तो फिर से मुझे दोबारा से रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप जितने भी अगर व्लॉग मेरे देखोगे जो 15 मिनट से ऊपर के हैं, या फिर 13-14 मिनट से ऊपर के, 15 मिनट तक जो भी व्लॉग हैं मेरे, उन सब में मैंने उसको रिचार्ज करके अलग से वापस से डाला है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, और प्लस टाइम का तो इन्वेस्टमेंट है ही, नो डाउट। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब बस यही है होप कि मैं अपने कान्हा जी से यही बोलती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आप मेरा चैनल खोलोगे तो आप देख सकते हो दो तीन साल तो हो रहे एटलीस्ट, और अभी तक देखते हैं अब जो होगा, आप लोग के भरोसे और भगवान के भरोसे। तो चलो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और अभी आगे का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव योरसेल्फ ऑलवेज।